रही हमारी मैगी, तो खाते हैं मैगी को। तो ये शिवांश की फर्स्ट मैगी है। सबसे पहले कमेंट करके आप ये बताना कि शिवांश का बर्थडे कब है, और बर्थडे में अब काफ़ी दिन बचे नहीं हुए हैं, तो हमने अपने पंडित जी को बुलाया था। ये हमारे पंडित जी पुरोहित जी हैं, तो ये अभी पत्र वगैरह देख रहे हैं, और शिवांश के बर्थडे के दिन हम लोग मॉर्निंग में पूजा पाठ करने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हो रही है। रोटी की दही चूड़ा अभी जैसे शेरलिक देख के बोलता है ना 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 ना, क्या बोले मम्मी? रोटी बना जल्दी पूजा, बर्तन छोड़ दो। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे इस न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग मॉर्निंग अभी टाइम हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं। मॉर्निंग हम जिम से लौटे, एंड मनी स्टॉप, मनी सेट क्या था, और मम्मी जी खाना खिला रही थी उसको। शेरलिक खा चुका है, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना, अभी नहीं हो रहा है ना, तो उस दिन से दर्द भी आ रहा है मम्मी का ना। ये हमारे घर का, ये मेरे रूम का एंट्रेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पर्दे का जो क्या बोलते हो, सो मम्मी क्या बोलते हैं पर्दा का, इसको क्या बोलते हैं, पे क्लिप लगा हुआ जिससे पर्दे वगैरह लगते थे, बट वो टूट गया है, तो यहाँ पे अब नया वाला क्लिप लगाना है, एंड एक क्लिप यहाँ लगाना है हमें, बिकॉज ये दोनों रूम, ये जो हमारा दोनों रूम है ये ओपन है, इसमें कोई गेट है नहीं, तो यहाँ पे पर्दे लगा देना है, क्योंकि अगर हीटर वगैरह चलता है तो रूम गर्म नहीं हो पाता है। क्लिप का है, तो ये क्लिप, और यहाँ पे पूजा जी खाना खा रही है अभी। क्या क्या बनाया खाना? आलू मटर की सब्जी, भुजिया, रोटी। मॉर्निंग से काफ़ी मेहनत किया है इसने, एंड बहुत सारा खाना बनाया है, तो अभी टाइम 11 बज गए ना। ये फैमिली, तो यही क्लिप है, इससे पहले जो हमने क्लिप लगाया था वो लकड़ी वाला था, कॉस्टली आइटम था, ये चीप रेट का है, मतलब कम दाम का। हमें स्क्रू नहीं दिया इसमें, स्क्रू तो दिया ही नहीं इसमें, कैसा कांटी लगेगा, कोई भी कांटी लग जाएगा। तो वहाँ जो भी क्लिप लगवाया था उसके, तो वो कॉस्टली लगवाया था, लकड़ी का, काफ़ी डिजाइनर था, बट वो वाला जो होता है ना ज़्यादा दिखावा के चक्कर में वो सही नहीं था, वो जल्दी टूट गया एंड ख़राब हो गया। तो फिलहाल हम ये वाला लगाने वाले हैं, ये बहुत ही कम रेट में आता है एंड सबसे बेहतर होता है, तो ये वाला यूज़ करना, ठीक है? हाँ नहीं, उससे हो जाएगा मम्मी, ये वाली कांटी सबसे बढ़िया रहेगी, ये स्टील वाली है फैमिली, तो ये स्टील वाली कांटी है, तो सबसे बढ़िया क्या लीजिए आए हुए हैं हमारे, जो भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है वही कराते हैं। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, मम्मी जी लेके गई हैं बाबू का जन्म पत्री, एंड पूछना ये है कि पूजा पाठ कुछ हम कब करावेंगे। ऐसा कि आपको पता है कि शिवांश का बर्थडे आने वाला है, दो दिन बचे हुए हैं बर्थडे में, तो पंडित जी को हमने बुलाया था, ये हमारे पुरोहित जी हैं पंडित जी, घर के सारे पूजा पाठ यही करवाते हैं, तो यहाँ पे जन्म कुंडली वगैरह हम लोग दिखा रहे हैं और पूजा वगैरह, क्यों हम सोच रहे हैं ना कि 22 को बाबू का बर्थडे है, तो मॉर्निंग में पूजा होगा, फिर शाम को फैमिली भोज होगा, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। चलिए घूम लीजिए राजी खाने पीपी पे, ई पीपी पे, ई पीपी पे, पीपी पीपी, आगे देखिए, आगे देखिए, पंडित जी ने हमारा कुंडली, तो अभी पंडित जी हमारा कुंडली और भाई का देखने वाले हैं, और अभी शिवांश का देखा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि शिवांश का पूजा करवाने का कोई ग्रह वगैरह है, तो वो अभी नहीं करवाना है, वो करवाना है हमें 5 साल पे। तो फिलहाल चलते हैं कुंडली लेके, ये कुंडली कौन बनाया था हमने, कौन, क्या नाम था उनका, पंडित क्या गोलू का है, मेरा वाला है, मेरा वाला भी देखो, ये कुंडली कौन बनाया था, ओ जमा कर दिला दी बात हो गई, राजकीय एवं न्यायालय संबंधी कार्यों में निर्णय अनुकूल नहीं होगा, तो कल्याण की है जो हम अपना जो है सो मन में रखें, काम धंधा कुछ विसर गए तो फिर, लेकिन दिमाग में
मन में रखेगा तो हर दम जब खाली समय होगा तैयार कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वाला कुंडली देखा जा रहा है। पंडित जी दो बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी अभी खाने के लिए आई है। आपको हम टाइम दिखाते हैं। दोबारा खा रहे हैं। 2:05 हो रहा है और सुबह से इन्होंने खाना नहीं खाया और जब मैंने बोला है तो ये बोलती है कि मुझे भूख ही नहीं लगता। क्यों नहीं खाया? दोबारा खा रहे हैं। दोबारा खा रहे हैं? अगर आप दोबारा खाते 2 तक तो यही यही शरीर रहता आपका। हद है बताइए। तो टाइम भी खाना नहीं खाएंगे और 1:00-2:00 खाना खाएंगे और बहाना अभी बना दिया है कि पंडित जी आ गए थे क्या। और डेली पंडित जी आ जाते हैं ठीक है। और हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू हो गया और यहाँ पे कोई ब्रॉडबैंड है नहीं तो हमें मोबाइल का ही नेटवर्क यूज करना पड़ता है डाटा। तो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी परेशानी होती है। 1 घंटे से मैंने वीडियो अपलोड में लगाया है और अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अरे बेटे को बंद कर रहे हैं आप। हे गाइस, तो ये देखिए आप शिमांश को लेके आए हैं और मैं कपड़े डाल रही थी अंदर जो भी नहीं पहनने वाले थे, तो ये देखिए शिवांश को अंदर डाल दिया है इसने। शिवांश को शिवांश को अंदर क्यों डाला आपने? डर लग रहा है। साड़ियाँ निकाल लेती हूँ इसमें से, खाली कर देती हूँ, उसके बाद अंदर आपको भर देती हूँ। डर लग रहा है। वेट, आजो आजो आजो। ऊपर चढ़ गया। हाँ ऐसा हो गया है। मैं वेट पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो, पापा का हाथ पकड़ लो। था ना तभी ये सोया था। इतना ये दिन भर कूदते रहता है, दर्द हो जाता है इसके हाथ पैर। गया कितने, इसको मजा आ रहा है ऐसे करने में। इसको मजा आ रहा है। इसको सिर्फ काम दे दीजिए कुछ यूनिक सा, उसके बाद ये उसी काम इसको बंद करना है क्या? अब काम हो गया क्या इसका? हाँ हो गया, कुछ करना बेटा। बाहुबली देखो देखो आ रहा है। या मेरा बेटा बाहुबली। तो देख सकते हैं रूम का कचरा मचा रखी है। पूजा जल्दी सा जल्दी सही करो इसे। मैं मचा रखी? कौन मचा रखा है फिर? रूम में कचरा मचा रखी हो तुम। तो नहीं क्या खोज रहा है आपका बीटा? क्या खोज रहा है? देखिए ना चादर ऐसे निकाल निकाल के ये कचरा मचा रही है, मैं कचरा मचा। ठीक फैमिली, 4:27 हो चुके हैं एंड अभी पूजा को मैगी खाना है। तो चलते हैं बाहर, बाहर ठंड है। तो ये वाली हुडी हम निकालते हैं, काफी दिन हो गए पहने हुए। तो कम करते हैं सारे मैगी लाने। घर के बगल में एक शॉप है तो वहाँ से भी लाएंगे मैगी। तो अभी लेके चलते हैं। हमें लेनी थी बड़ी वाली पैकेट, पर बड़ी वाली पैकेट मिली नहीं तो छोटी वाली पैकेट हमने 10 ले लिया। कहाँ गए मम्मी? थोड़ा सा बनाना मैगी, हल्का सा खाएंगे। कैसा बनाना है? फ्राई नहीं, नॉर्मल फ्राई नहीं, फ्राई नहीं। कौन सा? पानी वाला? पानी वाला। फैमिली हम आते घुमा के तो बनाना। बाबू उतरा घुमा देते हैं बेटू को। तो शिवांशु अभी घूमने जा रहा है। घूमी घूमी घूमी, चल बाबू साहब घुमा दे। फैमिली तो अभी हम निकल पड़े हैं और ये अपनी वाली कार नहीं है, भैया वाली कार है, वैगन आ रहा है। तो जी फैमिली हम अपनी वाली कार निकाल रहे थे, तब तक भैया गए हुए थे। हमने बताया था आपको पिछले वाले ब्लॉग में कि अभिषेक भैया गए हुए थे अपने कोई रिलेटिव के यहाँ, शायद भाभी अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी ठीक है। तो वहाँ से वो लोग आज लौटे, जस्ट हम अपना कार निकाल ही रहे थे तो वो आ गए। तो हम उनकी वाली ये कार वैगनार लेके जा रहे हैं अभी। फिलहाल जैसे निकला मम्मी जी ने बोला कि जमाइन, क्या बोले, अजवाइन, क्या बोले बेटा? जमाइन। जमाइन मम्मी जी ने बोला जमाइन लेके आने के लिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं जमाइन अभी लेके आएंगे। तो जी यहाँ पे अभी तो अभी हम लेने वाले हैं यहाँ से किराना सामान, मतलब अजवाइन ही लेना है, बहुत कुछ भी लेना है। और शिवांशु को मस्ती दे सकते हैं, अभी वो कार ड्राइव कर रहा है एंड इसको कहीं भी बैठा ड्राइविंग सीट पे बैठना बहुत पसंद है। तो ये बैठेगा ड्राइविंग सीट पे। क्या मम्मी? तो यहाँ पे अभी बन रही है मैगी एंड मैगी जो बन रहा है वो बन रहा है पानी वाला ना, पानी वाला मैगी। एक कौन सा बनता है? एक फ्राई वाला, एक फ्राइड बनता है। एंड ये जो बन रहा है अभी ये बन रहा है पानी वाला। डायरेक्ट पानी में उबालना है, मसाला डालना है, रेडी हो जाएगा। इसको पानी पानी वाली मैगी अच्छी लगती है। मम्मी क्या लिया, क्या लिया? उड़ा देगा सारा। मैगी यहाँ रेडी हो चुकी है और अभी होगी मैगी पार्टी। शिवांश की पहली मैगी। शिवांश की
फर्स्ट मैगी। अभी मैगी नहीं खाएगा, खा रहा है कि नहीं खाएगा देखिए। तो ये रही हमारी मैगी, तो खाते हैं मैगी को। अशिमांस चुपड़ चुपड़ खा रहा है। एंड बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भैया बेड पे नहीं खाना चाहिए, तो हमने टेबल ऑर्डर कर दिया है और अब से बेड पे नहीं खाएंगे। ये शायद लास्ट होगा, कल हमारा बेड अगर मतलब वो टेबल आ जाएगा तो ये शिवांश बहुत से लोग अभी तक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से तेल से मालिश होती है। मम्मी अभी कौन से तेल से मालिश कर रहे हो बाबू की? सरसों। अभी तो हम लोग सरसों तेल का यूज कर रहे हैं और ऑलिव ऑयल का। मम्मी लहसुन डाल के ना, ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं अभी नहीं यूज कर रहे हैं ना ठंड में। मतलब मम्मी जी सरसों तेल, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से हमको भी सभी को हमारे घर में सबको लहसुन का मतलब लहसुन पका के करू तेल में वही तेल लगाया, तो इसको भी वही वाली तेल की मालिश हो रही है अभी। अभी तबीयत ठीक ना है एंड अभी इसको सर्दी भी हो रखा है, तो इस वजह से मम्मी जी स्पेशली यूज कर रही है। इस वाले ब्लॉग से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो शिवांश का बर्थडे कब है जरूर कमेंट करके बताना। एंड शिवांश के बर्थडे में मैं इतना बता दूं कि 2-3 दिन बचे हुए हैं, बाकी आप लोग गेस कर सकते हो। और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा केक होगा, कैसा डेकोरेशन होगा, अभी बहुत सी चीज डिसाइड कर रहे हैं। शॉपिंग भी बची हुई है और केक वगैरह डिसाइड कर रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि इस बार सेलिब्रेट घर पे ही करेंगे फुल फैमिली मेंबर के साथ। तो अब घर पे करने से ये होता है ना कि आपको सोचना पड़ता है सब कुछ कि हाँ कैसे करना है, कैसे करना है, क्योंकि तो वही हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ कैसा केक, क्योंकि हम जहाँ होते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वो गाँव है और गाँव में अभी पूरा हर एक सुविधा नहीं मिल पाता है हम लोगों को, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट कोई नहीं, आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखेंगे, हम अपने तरफ से अपने बीटू के लिए बेस्ट करेंगे। और अभी शिवांश हो रहा है।